हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी वस्तुनिष्ठ भाग 12 के बारे में। और आप जानते हैं कि इन हिंदी वस्तुनिष्ठ के जितने प्रश्न बनाए जाते हैं वो आपके UPRO के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और UPRO का जो एग्ज़ाम्स है, आप देखेंगे कि फरवरी माह 2024 में है और शायद 11 फरवरी को है, तो उसके लिए यह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए जाते हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इससे आप लोग नोट्स बनाते रहें, देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें, जिससे आप लोगों का जो तैयारी है UPRO का वो एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल सके। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी वस्तुनिष्ठ भाग 12 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि प्रिय का विपरीतार्थक शब्द है किसका? प्रिय का विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है, शत्रु है, पराजय है, अहित है, अप्रिय है। तो प्रिय का जो विपरीतार्थक होता है वो आप जानते हैं कि अप्रिय होता है। ठीक है, प्रिय का अप्रिय। और आप लोग विलोम शब्द एकदम नोट डाउन करते रहें, और क्योंकि विपरीतार्थक का अर्थ होता है विलोम शब्द, और जो विपरीत अर्थ बताते हैं तो विलोम शब्दों से 10 प्रश्न आएंगे आप लोगों को UPRO में। आप लोग जानते हैं कि 60 प्रश्न रहते हैं। फिर अहित का, अहित जो विलोम है, हित का विलोम है, हित का अहित, तो उन 60 प्रश्नों में आप देखेंगे कि आप लोगों को टारगेट बना लीजिए कि हम लोगों को 50 प्लस प्रश्न आप लोगों को एकदम सही सही कट पीट कर करने हैं। ठीक है, तो आप लोग उस तरह से जब लेकर टारगेट चलेंगे तो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा वापस सिलेक्शन जो है, प्री का क्वालिफाई जो है वो आप लोगों का सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें और देखें कि प्रिय का जो विलोम होता है अप्रिय होता है, हित का अहित होता है, जय का पराजय होता है, मित्र का और शत्रु होता है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाएं। UPRO के RO AR का जो एग्ज़ाम्स है हिंदी में 50 प्लस प्रश्न एकदम सही सही करके आएँ, और UPRO का जो प्रीलिम्स का क्वालिफाई है वो अपना एकदम सुनिश्चित करें। तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि स्निग्ध का विलोम शब्द है। स्निग्ध का विलोम क्या होता है? दुर्गंध है, संदिग्ध है, अस्निग्ध है, भय है। तो स्निग्ध का जो विलोम होता है वो आपका अस्निग्ध होता है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें और इस तरह के विलोम जो है आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम याद कर लें, क्योंकि इस तरह से प्रश्न आप लोगों से बनेंगे। और निश्चित ही है कि आप लोगों का 10 प्रश्न तो इससे आएगा ही विलोम से। और सुगंध का जो विलोम होता है, सुगंध का, वो होता है आपका दुर्गंध। सुगंध का जो विलोम होता है दुर्गंध होता है। फिर इसके बाद संदिग्ध का जो विलोम है असंदिग्ध है, असंदिग्ध। फिर इसके बाद भय का जो विलोम है निर्भय, भय का निर्भय। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग विलोम शब्द नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला शब्द है कि अमित का विलोम शब्द है। अमित का, तो अमित का विलोम शब्द होता है परिमित है, अकर्मक है, अनावरण है, अपमान है। तो परिमित जो है अमित का विलोम शब्द होता है। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अमित का विलोम शब्द क्या होगा? परिमित, परिमित होगा। और अकर्मक जो विलोम शब्द है ये है आपका सकर्मक का विलोम शब्द, अकर्मक है। सकर्मक का विलोम शब्द जो है अकर्मक है। आवरण का जो विलोम होता है, आवरण, आवरण का जो विलोम होता है अनावरण होता है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे तो आप लोगों का नोट एकदम बेहतरीन तरीके से चला जाएगा, बनता चला जाएगा। ठीक है, तो अपमान का जो विलोम होता है आप देखेंगे, अपमान, तो ये होगा या तो मान, अपमान लिख लीजिए, और इसमें एक और लिख लीजिए सम्मान। ठीक है, तो इस तरह से विलोम शब्द चलते हैं, और इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध वाक्य है।
कौन सा वाक्य पूछा जा रहा है? शुद्ध वाक्य है निम्न में, वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड देने के योग्य है, वह दंड के योग्य है। तो निम्न में आप लोगों का शुद्ध वाक्य, इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो अगर मोरल दृष्टि से देखा जाए, नैतिक दृष्टि से देखा जाए और सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए, तो इस तरह के वाक्य जो हैं ज़्यादातर वो आपके सही ही होते हैं। ठीक है, तो जो आपके ग्रामर के बेस पर जो सही हो, जो आपके बोल चाल की भाषा में एकदम शुद्ध रूप से जो हिंदी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, उसमें जो सही होता है उसको अगर लेकर चला जाए तो इसमें बहुत सारे जो वाक्य होते हैं वो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे वह उदंडनीय है, तो वह उदंडनीय है यानी इस तरह से हो जाएगा, और फिर वह दंड भोगने के योग्य है, ये भी आपका अगर मोरल दृष्टि से देखा जाए तो सही है, वह दंड देने के योग्य ये भी होता है, लेकिन जो सिद्धांत मान के चलिए कि व्याकरण रूप में जो सही है वह आपका वह दंड के योग्य, वह दंड योग्य है। ठीक है, तो वह दंड योग्य है जो शब्द है आपका, ये आपका एकदम शुद्ध रूप है। और यहाँ पर आप ये भी इस तरह से भी हो सकता है कि वह दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य है, ये भी आपका हो जाएगा, वह दंड योग्य है वो भी आपका सही है। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, और इस तरह से शुद्धि और शुद्धि में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें आप लोगों को एकदम 100% देकर आनी ही है। शुद्धि और शुद्धि और विशेष विशेषण अगर छोड़ दिया जाए तो चार चैप्टर में आप लोगों को एकदम 100% देना है और उसको एकदम सही सही करके आना है। ठीक है, तो आप लोग इसको टारगेट बना लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। अगर आपका हिंदी एकदम सही गया, 50+ हुआ, तो निश्चित ही है कि आप लोगों का UP ERO 2024 का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि GS में 140 प्रश्न होते हैं, उसमें मैथ और रीजनिंग बहुत नाम मात्र के होते हैं, इंग्लिश होती नहीं है। तो GS के मान चलिए कि अगर 140 प्रश्न में से आपके 60 प्रश्न भी वो 50+ प्रश्न अगर सही हैं GS के, अगर 70 प्रश्न सही है तो अगर 50 अगर इसमें सही हो गए तो निश्चित ही है कि आपका UP ERO 2024 का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग टारगेट लेकर चलेंगे तो निश्चित ही आप लोगों का मेंस देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध वाक्य है। ठीक है, शुद्ध वाक्य आप लोगों को छांटना है। वह पतिव्रता स्त्री है, उसमें बचपन है, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें बचपन है ये आपका वाक्य शुद्ध है। तो वह पतिव्रता स्त्री है, तो यहाँ पर स्त्री शब्द का जो प्रयोग है वो आपका निरर्थक है, क्योंकि वह पतिव्रता है, क्योंकि पतिव्रता जो है वो स्त्री ही होती है, पुरुष नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का वाक्य बनेगा। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, यहाँ पर आप देखिए कि बाघ बकरी दिया है और यहाँ पर घाट पर पानी पीती हैं, तो पीती की जगह पर आप देखेंगे कि पीते शब्द होगा। ठीक है, ये पीते होगा और यहाँ पर डैश दिया है, यहाँ पर संयोजक चिन्ह लगाया गया है, तो यहाँ पर बाघ और बकरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आप लोग ये वाक्य बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें और अशुद्धियाँ भी लिखते जाएं, क्योंकि छोटी से छोटी अशुद्धियाँ डालकर भी एक वाक्य को अशुद्ध बनाया जा सकता है, और इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। और इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि इससे 10 प्रश्न आएंगे और 10 प्रश्न इसमें एकदम एक्यूरेट सही कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, और उसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहें जिससे आप लोग अभ्यस्त हो जाएंगे, तो कम से कम 7-8 प्रश्न तो निश्चित ही सही कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, तो इसका वाक्य जो बनेगा आपका होगा कि मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, यानी कि मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये भी वाक्य आपका इस तरह से शुद्ध होगा। और इसका शुद्धि आप मान चलिए कि 2 वाक्य इसमें आप लोगों के शुद्ध हैं, और इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। और इस तो आप लोग इस यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि छोटी से छोटी अशुद्धि डालकर किसी वाक्य को अशुद्ध बनाया जा सकता है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा और वाक्य को हमेशा सावधानीपूर्वक पढ़िए और तब उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, निम्न में अशुद्ध वाक्य छाँटना है, अशुद्धि यानी कि छाँटनी है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह डरा करता है,
उसे मृत्युदंड मिला है। शराब पीना विष से हानिकारक है, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि पैतृक संपत्ति लिखा हुआ है, पैतृक नहीं होता है, ये पैतृक होता है, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य तो थोड़ा समझ लीजिए कि आसान है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोगों का आंसर एकदम सही होगा। तो इस तरह से आप लोग अशुद्धि अशुद्धि नोट डाउन करिए और आप लोग नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पेड़ से गिरा हुआ पत्ता के लिए एक शब्द है, पेड़ से गिरा हुआ पत्ता, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्रपड़ कहते हैं, प्रपड़, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? प्रपड़ कहते हैं। अपत क्या होता है? अपत, अपत क्या होता है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, झड़ गए हों, ठीक है। फिर उसके बाद तितिरसा क्या होता है? तितिरसा, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे तो आप लोगों का अनेकार्थों शब्दों से एक शब्द जो है वो भी आप लोगों को कम्प्लीट हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। तितिरसा क्या होता है? तैरने की इच्छा रखने वाला, तैरने की इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे और आप लोग नोट डाउन करते रहें और साथ में अगर देखते हैं और नोट डाउन करते हैं पर डे तो आप लोगों का नोट्स एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। और हौदा क्या होता है? हौदा हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन, इसको कहते हैं हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन, रखे जाने वाला आसन, ठीक है। और घोड़े के पीठ पर क्या रखा जाता है? उसको क्या बोलते हैं? काठी। घोड़े के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को काठी बोला जाता है और फिर उसके बाद हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को नोट डाउन करते रहें या अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाएं और समझते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जिसे प्रमाणों से सिद्ध न किया गया हो के लिए एक शब्द है, प्रमाणों से सिद्ध न किया गया उसको क्या कहते हैं? अप्रमाणित कहते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद अप्रमेय क्या हो जाएगा? अप्रमेय, अप्रमेय का जो अर्थ होगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, सिद्ध न हो सके, ठीक है। इस तरह से लोग नोट डाउन करें। फिर उसके बाद अपरिमेय क्या हो जाएगा? अपरिमेय, अपरिमेय क्या होता है? जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके, ठीक है। और औपनिवेशिक क्या होता है? औपनिवेशिक, ठीक है। औपनिवेशिक क्या होता है? उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, संबंध हो जिसका, ठीक है। तो इस तरह से अनेकार्थों शब्दों का एक शब्द है, आप लोग नोट डाउन करिए और इसे प्रश्न एकदम बनते हैं और इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोगों को 10 प्रश्न इससे करने हैं और इससे तो आप लोगों को 100% देना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, यानी कि किसी एक की वस्तु जो है दूसरे के पास रखी हुई है तो उसके लिए क्या शब्द है? धराशाही है, फिर पतित है, स्वयंसेवक है, धरोहर है, तो उसको धरोहर बोला जाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर बोला जाता है। तो स्वयंसेवक क्या होता है?
स्वयं सेवक। स्वयं सेवक क्या होता है, आप जानते हैं कि स्वयं सेवक अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, दूसरों की सेवा करने वाला, ठीक है। तो इस तरह से लोग नोट डाउन करते रहें जिससे लोगों का नोट एकदम बेहतरीन तरीके से बनता चला जाए। फिर पतित क्या होता है, पतित, पतित का जो अर्थ है आप जानते हैं कि गिरा हुआ, गिरा हुआ, ठीक है। गिरा हुआ के लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है वो पतित होता है। धाराशायी, धाराशायी क्या होता है, जमीन पर लेटा हुआ, जमीन पर लेटा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अनेक शब्दों से एक शब्द जो है उसको आप लोग नोट डाउन करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, मानुष, मानव, दृष्टि या मुद्रिका, ठीक है। तो इस तरह से तद्भव और तत्सम लोगों को छटना है। तो तत्सम शब्द हुए होते हैं जो संस्कृत के शुद्ध रूप माने जाते हैं, और जो संस्कृत के विकार रूप हैं, बदले हुए रूप हैं, परिवर्तित रूप हैं, वो तद्भव शब्द माने जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को छांटना है और इसमें आप लोग देखिए कौन सा शब्द जो है तद्भव में आएगा। और तद्भव तत्सम तो आप लोग एकदम अभ्यस्त होंगे, जो रेगुलर बना हुआ है चैनल पे, जो रेगुलर हिंदी वस्तुनिष्ठ देखते हैं तो उनका तो तद्भव तत्सम एकदम कन्फर्म हो गया होगा कि कौन सा तद्भव है, कि तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने हर एक लेक्चर में तद्भव तत्सम की परिभाषा बताई है तो आप लोग उसके आधार पर तो एकदम याद हो ही गया होगा। तो मानुष है, मानव है, दृष्टि है, मुद्रिका है। तो मानुष शब्द जो है यह मनुष्य का तद्भव शब्द है, ठीक है। मनुष्य का तद्भव शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से तद्भव तत्सम बनेगा। और पहले मैं तत्सम शब्द लिखता हूँ फिर उसके बाद तद्भव लिखता हूँ, ठीक है। तो मानव का जो ये मानव यानी कि तत्सम हो गया, यानी कि एक तद्भव शब्द है तो एक क्या होगा, तत्सम होगा, बाकी तीन तत्सम हो गए। मानव का क्या होता है, मनई, मानव का मनई जो है तत्सम शब्द होगा। दृष्टि का क्या होगा, दृष्टि का डिठी होता है, डिठी होता है, डिठी, ठीक है। और फिर उसके बाद दिठी ऐसे नहीं लिखाएगा, दिठी होता है, ठीक है। तो दृष्टि का दिठी। और मुद्रिका का क्या होता है, मुद्रिका, मुद्रिका का क्या होता है, मुदरी, मुदरी मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हाथ में अंगूठी पहनी जाती है जैसे इस तरह से पहना हुआ है ये जो है इसी को मुदरी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए और यहाँ पर सारी चीज़ें तद्भव तत्सम आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, तद्भव शब्द नहीं है यानी कि क्या है, तत्सम शब्द है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि तद्भव कौन सा नहीं है, वो आपका गर्धव। गर्धव का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है आपका गधा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गधा। अब इसको गधा भी बोल सकते हैं, ठीक है, गधा। गाँव में सुने होंगे तो कहावत में कहा जाता है कि एकदम गधे हुए का, ठीक है। तो इस तरह से एकदम भोजपुरी में अगर बोला जाए तो इस तरह से बनता है। तो गर्धव का होता है गधा। फिर इसके बाद स्नेह का ने, स्नेह का ने। फिर इसके बाद पिया का, प्रिय का पिया होता है, प्रिय का पिया, ठीक है। और पृष्ठ का पीठ होता है, पृष्ठ का पीठ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग तद्भव तत्सम नोट डाउन करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में तत्सम तद्भव का संगत युग्म है, तत्सम तद्भव का संगत युग्म है, निर्भय निर्दय, पक्षी का पंख, सप्तसती सत्सई, शर्करा शकर,
ठीक है, तो आप देखेंगे कि तत्सम तद्भव का जो शुद्ध रूप है सप्त सती और सप्त सही है। तो तद्भव तत्सम का सप्त शती, सप्त शती और सप्त सही, ये आपका शुद्ध रूप है। तो आप लोग बाकी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद निर्भय का जो होता है, निर्भय का जो तत्सम होगा वो होगा निडर, ठीक है। निर्भय का जो तत्सम होगा तद्भव होगा निडर होगा। और पक्षी का जो तद्भव शब्द होगा, पक्षी का जो तद्भव शब्द होगा वो पंछी होगा, पक्षी का पंछी होगा। और पंख जो है तद्भव शब्द है पक्ष का, पक्ष का तद्भव शब्द जो है पंख है, ठीक है। और शर्करा का जो तद्भव होगा, शर्करा का जो तद्भव शब्द है वो है आपका शक्कर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का तत्सम तद्भव शब्द बनेगा। और सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कंचन एक समझदार लड़की है, वाक्य में विशेष्य है, ठीक है। तो क्या छाँटना है, विशेष्य शब्द छाँटना है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा आपका विशेष्य है। कंचन एक समझदार लड़की है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आप लोग पहले एक सिनेरियो के रूप में, एक परिभाषा के रूप में आप लोग एक एक लाइन में समझ जाइए कि संज्ञा क्या होता है। किसी वस्तु स्थान नाम का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के जगह पर जो जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वो आपका सर्वनाम में आता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्रिया विशेषण क्या होता है कि क्रिया विशेषण वो होता है कि जो क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है। तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो आपका क्रिया विशेषण होता है। और विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो आपका विशेषण शब्द कहलाता है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि कंचन एक समझदार लड़की है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग छांट लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंचन क्या हो जाएगा, कंचन यहाँ पर कंचन संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा हो गया, ठीक है। तो संज्ञा तो हम लोग छाँट लिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो विशेष छाँटना है। तो विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग विशेषण बताइए कि विशेषण क्या है, ठीक है। तो संज्ञा हो गया, संज्ञा का मान लीजिए कि जो विशेषण क्या है वो एक लड़की है, ठीक है। तो लड़की क्या हो गया, यहाँ पर विशेषण हो गया। और लड़की की जो विशेषता बता रहा है वो क्या है, समझदार, ठीक है। तो समझदार क्या है, लड़की है, यानी कि समझदार हो जाएगा आपका विशेष्य, ठीक है। तो समझदार क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो यहाँ पर इस तरह से छाँटना आप लोग वाक्य में छाँटना समझ जाइए कि किस प्रकार से यहाँ पर वाक्य बनाए जाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं इस प्रकार से वाक्यों में आप लोग छाँटना सीख जाइए। और एक ही वाक्य बड़ा से देखकर उसमें पूछ देगा कि कितने विशेष और कितने विशेषण हैं, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये सारी बातें आप लोग ध्यान दीजिए और नोट्स बनाइए और नोट्स एकदम बेहतरीन तरीके से बनाइए और समझते रहिए, ठीक है। किस प्रकार से छाँटना है, किस प्रकार से वहाँ पर प्रश्नों को हल करना है, इस तरह की बातें हमेशा आप लोग छाँटते रहेंगे तो आप लोगों को अभ्यस्त हो जाएंगे। तो आप लोगों का निश्चित ही जो हिंदी का सेक्शन है UPRR का बहुत बेहतरीन तरीके से जाएगा। तो लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सूर्या एक अच्छा विद्यार्थी है, क्या है, सूर्या एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में क्या है, विशेष छाँटना है। तो विशेष से अगर आप लोगों को छाँटना है तो एकदम सेम टू सेम पिछला प्रश्न है और इसमें आप लोग एकदम आराम से विशेष से छाँट सकते हैं कि सूर्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, विद्यार्थी उसकी विशेषता हो जाएगी यानी कि विशेषण हो जाएगा, अच्छा शब्द जो है ये आपका विशेष हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से शब्दों को वाक्यों को हल करना है और एकदम सेम टू सेम पीछे वाला है। और विशेष विशेषण के बारे में हमने पूरा एकदम चैप्टर ही कंप्लीट किया है और वहाँ पर आप जाइए पिछले जो हिंदी वस्तुनिष्ठ के जो श्रृंखला बनाए गए हैं उसमें जाइए देखिए और उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। या तो आप लोग जाइए वहाँ पर प्ले लिस्ट में भी वहाँ पर पूरा हिंदी का कवर किया गया है, वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विशेष्य वह शब्द है, विशेष्य की विशेषता बतानी है कि विशेष्य के जो परिभाषा है वो क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई गई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो तो विशेषण हो गया, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसको क्या कहा जाता है, उसे विशेष्य
बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आप लोगों से थ्योरेटिकल में पूछ लिए जाते हैं, और आप लोग एक बात समझिए और इसको याद करिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, सुंदर का पर्यायवाची है केशी, चारु, अम्बुद, पुष्कर। ठीक है, तो सुंदर शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो आपका चारु होता है। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए, केशी जो पर्यायवाची है ये पर्यायवाची है सिंह का यानी कि शेर का। फिर उसके बाद अम्बुद जो पर्यायवाची है, अम्बुद पर्यायवाची है आपका बादल का। और पुष्कर जो पर्यायवाची है, पुष्कर यह है पर्यायवाची तालाब का। किसका? तालाब। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, ये तीन पर्यायवाची हो गए। अब बात करते हैं हम लोग सुंदर के पर्यायवाची के, सुंदर। और सुंदर का जो पर्यायवाची है आप लोग पहले चारु लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि रुचिर, रम्य, फिर उसके बाद सुहावना, मनोहर। ठीक है, रमणीक, ललित। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं आपके सुंदर के हैं, और पर्यायवाची शब्द यानी कि जो समान अर्थ बताते हैं उनको पर्यायवाची करते हैं। तो आप लोग इस तरह से नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सरिता शब्द का पर्यायवाची नहीं है, किसका? सरिता। तो सरिता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आप जानते हैं कि नदी होता है, तो इसमें से कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं, वो त्रिपथगा है। ठीक है, तो त्रिपथगा जो पर्यायवाची है ये आपका गंगा का पर्यायवाची है। त्रिपथगा की जो पर्यायवाची है ये आपका गंगा का पर्यायवाची है, बाकी तीन जो हैं आपके सरिता के पर्यायवाची हैं, सरिता। ठीक है, तो यहाँ पर हम नदी लिख देते हैं पहले ही, नदी, तटनी, निम्ना और तरंगिणी। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, और पर्यायवाची शब्द आप लोग नोट डाउन करिए, क्योंकि पर्यायवाची से 10 प्रश्न आएंगे और आप लोगों को एकदम 100% इसमें देना है। तो जब तक आप लोग याद नहीं रखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रश्न हल नहीं करेंगे, तब लोगों का ये हमेशा गड़बड़ाएगा। तब लोग अनुरोध करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रशंसा का पर्याय है, यानी कि प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है, वो है आपका शलाघा। ठीक है, प्रशंसा का जो पर्याय है वो आपका शलाघा शब्द है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करिए कि कुंभिल का जो पर्यायवाची है, कुंभिल का जो पर्याय है वो होता है आपका चोर। फिर उसके बाद अमर्ष का जो पर्यायवाची है, अमर्ष का होता है क्रोध। कृषाणु का जो पर्यायवाची है वो होता है अग्नि, आग, यानी कि अग्नि की पर्यायवाची जो है कृषाणु है। और यहाँ पर आप लोग प्रशंसा की पर्यायवाची नोट डाउन करिए, प्रशंसा वो हो गया शलाघा, पहले ही आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, शलाघा हो गया। फिर उसके बाद गुणगान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोगों का नोट्स बनता चला जाएगा। फिर उसके बाद नदी, यहाँ पर नदी है, ठीक है, नदी नहीं है, नद है, नद। और स्तुति, ठीक है, नद, नदी और स्तुति। ठीक है, और फिर इसके बाद तारीफ, बड़ाई, सराहना। सराहना, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए
और आप देखेंगे कि इस तरह से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लुएंटली मिलान करने के लिए तो आरओ में नहीं देता है हिंदी में, लेकिन इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पर्यायी शब्द बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए और यहाँ से आप लोग हिंदी वस्तुनिष्ठ से आप लोग नोट्स बनाते रहें। और ये आपका आखिरी प्रश्न था इस सेशन का, तो हम लोग 12 जो हिंदी वस्तुनिष्ठ पूरा कंप्लीट कर चुके, तो उससे आप लोग नोट्स बनाते रहें, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और अपनी पढ़ाई को सीधा सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से लेकर चलें, जिससे आप लोगों की सफलता जो सुनिश्चित हो सके और आप लोग भ्रष्टाचार से बचें, करप्शन से बचें और बहकावे में ना आए, भुलवावे में ना आए। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और तो मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से शानदार हिंदी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।